हम क्लास फाइव का लेसन एट पढ़ते हैं। कौन सा लेसन है ये? द बर्ड्स आई, यानी कि चिड़िया की आंख है। तो इसका हमने ये बाकी का पोर्शन जो है कहानी वो पढ़ चुका है पहले ही। जिन्होंने नहीं पढ़ा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया हुआ है, जाके आप वहां से देख के पढ़ सकते हो। और आज जो हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे, इसकी एक्टिविटीज़ भी करेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ। सिमिलर क्वेश्चंस वेयर पुट टू भीम, नकुल, सहदेव एंड अदर्स। तो सेम क्वेश्चन जो गुरुदेव ने, द्रोणाचार्य ने अपने अलग शिष्यों से पूछा था, वही क्वेश्चन ये नकुल, भीम, सहदेव और सारे से पूछते हैं। तो फ्रॉम देम टू द्रोणाचार्य गॉट आंसर सिमिलर टू दोज गिवन बाय द युधिष्ठिर। तो उन लोग सभी युधिष्ठिर के तरह ही आंसर दे रहे हैं, एंड द्रोणाचार्य एंड दुर्योधना और दुर्योधन के तरह। लास्टली इट वॉज द टर्न ऑफ द अर्जुन। लास्ट में किसका टर्न आया? अर्जुन का। ही वॉज रेडी विथ हिज बो एंड एरो, वो अपने तीर धनुष के साथ खड़ा हो गया। द गुरु आस्क्ड हिम, ओ अर्जुना विल यू टेल मी व्हाट इज बीइंग ऑब्जर्व टू यू। क्या तुम मुझे बता सकते हो अर्जुन कि तुम्हें ऑब्जर्व बाय यू क्या तुम्हें दिख रहा है? तो बोल रहा है नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए। आई कैन सी ओनली द आई ऑफ द बर्ड, रिप्लाइड अर्जुन विदाउट ब्रेकिंग आई कॉन्टैक्ट विथ हिज टारगेट। अब ये क्वेश्चन अर्जुन को द्रोणाचार्य पूछे, तो द्रोणाचार्य को उसने उत्तर दिया बिना पलक झपकाए कि हाँ, मैं एक चिड़िया की आँख को देख रहा हूँ। और उसने उसी को लक्ष्य किया है। किसने? अर्जुन ने। उसको चिड़िया की आँख को वो देख रहा है। नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए। कांट यू सी द ट्रीज एंड स्काई और परहैप्स द ब्रांचेस वेयर द बर्ड इज सेटिंग। तो तुम्हें वो टहनियाँ, वो झाड़ियाँ, वो पेड़ों की झुरमुट ये क्या दिखाई नहीं पड़ रही है जहाँ पे चिड़िया बैठी हुई है? हिज टीचर आस्क्ड। उसके टीचर ने कहा, नो गुरुदेव, ऑल आई कैन सी इज द आई ऑफ द बर्ड, मैं तो सिर्फ चिड़िया की आँख को देख रहा हूँ, एंड नथिंग एल्स, और दूसरा कुछ नहीं। सेड अर्जुना, अर्जुन ने कहा, होल्डिंग हिज बो स्टीडली, अपने आँख उसने क्या किया, अर्जुन ने अपने धनुष पे प्रत्यंचा चढ़ा लिया। नाउ द्रोणाचार्य वॉज वेरी ग्लैड, अब उसको ये इसके आंसर को सुन के द्रोणाचार्य बहुत खुश हो जाते हैं। ही प्रेज्ड अर्जुन फॉर हिज इमेंस कॉन्सेंट्रेशन, वो अर्जुन की बड़ाई करते हैं उनके मतलब इतनी अच्छी कॉन्सेंट्रेशन के लिए, ध्यान के लिए। विथ सी स्माइल ऑन हिज फेस द्रोणाचार्य सेड सुट, अपने मुख पे हंसी ला के द्रोणाचार्य कहते हैं कि उसकी आंखों में निशाना साधो। विथ लाउड ट्वैंग द एरो स्प्रैंग फ्रॉम द बो एंड स्ट्रक द आइस बर्ड्स आइस। इसी तरह उसने क्या किया, प्रत्यंचा चढ़ा लिया अपने धनुष के ऊपर और इतनी जोर से टंकार मार के बर्ड के आंखों में निशाना साध दिया। किसने? अर्जुन ने। नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए। द्रोणाचार्य टर्न टू द अदर प्रिंसेस, द्रोणाचार्य दूसरे राजकुमारों की तरफ घूमे। ही सेड, डिड यू ऑल अंडरस्टैंड द रीजन ऑफ दिस टेस्ट, बोले कि अब तुम लोगों को समझ में आया इस परीक्षा के बारे में। Always remember when you aim for something, you must look at the target and nothing else. एक बात हमेशा ध्यान रखना, अगर तुम्हें कुछ पाना है तो अपने लक्ष्य को और निशाना रखो, साध हो, तब तुम देखना अपनी मंजिल पे जरूर पहुँच जाओगे। और कुछ ही मतलब कुछ दूसरे चीज़ों पे नहीं, सिर्फ तुम्हारा टारगेट अपने लक्ष्य की ओर होना चाहिए। Only with intense concentration can one strike the target. All of you saw other things like the trees, the fruits, the leaves and the people because you were not concentrating on the task given to you. तुम लोग सभी क्या कर रहे थे, पेड़ों को देख रहे थे, उसके फलों को देख रहे थे, उसके पत्तों को देख रहे थे, मनुष्यों को देख रहे थे, लेकिन क्यों? क्योंकि तुम्हारा कॉन्सेंट्रेशन नहीं था, उस पर ध्यान नहीं था। वॉज ओनली अर्जुन हु हैड एक्चुअली कॉन्सेंट्रेटेड, इट वॉज अर्जुन हु हैड ओनली कॉन्सेंट्रेटेड, ये अर्जुन ही था जिसने
अपने लक्ष्य की ओर ध्यान दिया। सो नाउ ऑल ऑफ यू नो व्हाई अर्जुन इज द बेस्ट स्टूडेंट। अब तुम लोगों को समझ में आया कि अर्जुन क्यों बेस्ट स्टूडेंट है। द्रोणाचार्य टेस्ट साइलेंस्ड द कौरवस एंड ऑल अंडरस्टैंड दैट अर्जुन वॉज इंडेड द बेस्ट आर्चर। इस तरह जो है द्रोणाचार्य की इन बात जो परीक्षा थी उससे कौरव का मुंह जो है शांत हो गया, उन लोग चुप हो गए और सबको पता चल गया कि अर्जुन जो है वो एक बड़ा धनुर्धर है। इस तरह बच्चों ये चैप्टर हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। आइए हम एक्टिविटी नंबर 1 करते हैं। कितना इंटरेस्टिंग चैप्टर है, पर आप लोगों को उससे पहले मैं बताना चाहती हूँ कि जिन्होंने अभी तक जो है चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, बेल आइकन वाली घंटी जरूर दबाइएगा, वीडियो को पूरे एंड तक देखिएगा यानी कि ख़त्म होने तक, ताकि आपको चैप्टर बहुत अच्छी तरह से समझ में आए और पूरी एक्टिविटीज़ भी कीजिएगा, फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा कि इस चैनल पे ये वीडियो आता है इंग्लिश का। एक्टिविटी 1 देखिए, लेट्स टिक द करेक्ट आंसर। द्रोणाचार्य अरेंज अ टेस्ट 2। द्रोणाचार्य ने टेस्ट क्यों रखा था। डिसाइडेड द बेस्ट आर्चर अमॉन्ग ऑल, कौन सबसे बड़ा धनुर्धर है सभी राजकुमारों के बीच, इसलिए। नंबर 2 देखिए, द कौरव वॉज क्या था, 5, 50 या 100 ब्रदर, तो 100 ब्रदर्स थे, इसमें हम लोग मार्क करेंगे। नंबर 3 देखिए, नकुल एंड सहदेव वॉज द मोस्ट कंफर्टेबल विथ शोर्ड। नकुल और सहदेव उन लोग कौन से औजार से अपने आप को मतलब ये किए हुए थे, अपने आप को सुविधाजनक महसूस कर रहे थे, तलवार के साथ, तो शोर्ड में टिक करेंगे। नंबर 4 देखिए, आई कैन सी ओनली द आई ऑफ द पॉड सेट, कौन किसने बोला, अर्जुन ने। नंबर 5 देखिए, ऑल द चिल्ड्रन गैदर्ड इन द वुड लैंड नियर अ स्मॉल हट वेयर गुरुदेव द्रोणाचार्य लिव, सब गुरुदेव के आश्रम के सामने सारे राजकुमार खड़े हो गए। दुर्योधन वॉज क्या था, द एल्डेस्ट ब्रदर ऑफ द कौरवस, सबसे बड़े भाई थे दुर्योधन कौरव के। अल्टीमेटली द बेस्ट रिलीव्ड दैट अर्जुन वॉज द बेस्ट आर्चर रिवील्ड सॉरी अल्टीमेटली द टेस्ट रिवील्ड दैट, टेस्ट से यह पता चला गया, चल गया परीक्षा से कि अर्जुन ही सबसे बड़ा धनुर्धर है। एक्टिविटी नंबर 2 कीजिए, राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट्स इन द गिवन बॉक्सेस। अब देखिए जो स्टेटमेंट दिया गया है उसमें एफ लिखिए फॉल्स के सामने और ट्रू लिखिए टी के सामने, टू के लिए टी लिखिए। तो नंबर ए देखिए, द्रोणाचार्य वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट ऑफ हिज टाइम, पोएट थे नहीं, टीचर थे, योद्धा थे, इसलिए फॉल्स होगा, ये रॉन्ग है। नंबर बी देखिए, द बर्ड वॉज मेड ऑफ पेपर, पेपर का बना था नहीं, लकड़ी का बना हुआ था, इसलिए ये फॉल्स होगा, गलत लिखा हुआ है। नंबर सी देखिए, द्रोणाचार्य वॉज द डिसिपल ऑफ परशुराम, सही बात है, परशुराम के शिष्य थे द्रोणाचार्य, इसलिए यहाँ पे ट्रू होगा, टी लिखेंगे। नंबर डी देखिए, द्रोणाचार्य वॉज नॉट प्लीज्ड विथ अर्जुन कॉन्सेंट्रेशन, ये कोई बात हुआ, गलत बात है, अर्जुन के कॉन्सेंट्रेशन से ही तो द्रोणाचार्य को प्यार था, इसलिए फॉल्स लिखेंगे यहाँ पे। नंबर ई देखिए, युधिष्ठिर वॉज द वेरी ऑबिडियंट टू हिज गुरु, हाँ तो ये ट्रू है, युधिष्ठिर तो अपने गुरु की आज्ञा के पालन करते थे। अच्छा, नंबर एफ देखिए, ऑल द चिल्ड्रंस वेर लर्निंग वेरियस स्किल्स हैप्पीली, सही बात है, सारे राजकुमार बहुत खुशी खुशी से जो है वो अपने गुरु से शिक्षा लेते थे। अच्छा, ये हमारा वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है, अगले वीडियो में हम फिर दूसरी एक्टिविटीज़ के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल वाले आइकन जरूर दबाइए और फ्रेंड्स में भी शेयर कीजिए।